नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में डर आ रहे हैं कोरोना के मामले, ठंड के साथ बढ़ने लगी कनकनी। बिहार को जल्द ही मिल सकता है एक और नया जिला। बिहार में बढ़ा बस का किराया, अब ऑफिस में नहीं फील्ड में दिखेंगे ये एडीजी आईजी रैंक के अधिकारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को जल्द ही मिल सकता है एक और नया जिला। बिहार में वैसे तो अभी कुल मिलाकर 38 जिले हैं, लेकिन जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि बिहार को एक नया जिला मिल सकता है। सरकार ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। अगर ऐसा हुआ तो 38 से जिलों की संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में नए जिले के गठन की मांग लगातार उठती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर सरकार एक भी नया जिला बनाती है तो दूसरे क्षेत्रों के लिए उम्मीद बढ़ जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में होगी। बैठक की तारीख 21 दिसंबर प्रस्तावित की गई है। कैबिनेट सचिवालय ने प्रस्तावित बैठक के संबंध में आदेश जारी करते हुए इससे मंत्रियों और अधिकारियों को अवगत करा दिया है। संभव है कि इस बैठक में नए जिले को मंजूरी दे दी जा सकती है। बिहार में बढ़ा बस का किराया, बिहार में बस का सफर करना अब और भी महंगा हो गया है। बढ़े हुए बस किराए की बात करें तो मुजफ्फरपुर और पटना रूट पर अब यात्रियों को 116 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। पहले इतनी ही दूरी के लिए 90 रुपए देने पड़ते थे। एसी बस का किराया भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यदि आप बेतिया से पटना जा रहे हैं तो आपको अब 350 रुपए देने होंगे। पहले आप केवल 297 रुपए का भुगतान करते थे। डिलक्स बस के भाड़े की बात करें तो इसके लिए 257 रुपए की जगह अब 301 रुपए देना होगा। यही हाल अन्य रूटों का भी है। बता दें कि बस के बढ़े हुए किराए से रोज आने जाने वालों को परेशानी होगी, साथ ही इसका असर रोजगार पर भी साफ साफ देखने को मिलेगा। वहीं बस के बढ़े हुए किराए की बात करें तो पटना से नवादा जाने वाले यात्री अब 112 रुपए के बदले 165 रुपए देंगे। पटना से मुजफ्फरपुर का किराया 116 रुपए कर दिया गया है, पहले 90 रुपए था। पटना से बेतिया एसी बस का किराया 350 रुपए हो गया है, जबकि पहले 297 रुपए था। और पटना बेतिया डीलक्स का भाड़ा 301 रुपए हो गया है, जो कि 257 रुपए निर्धारित था। बिहार में डरा रहे हैं कोरोना के मामले, बिहार में कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं, जिसके कारण ही कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 92 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 1, भोजपुर में 1, ईस्ट चंपारण में 2, नवादा में 1, पटना में 10 और समस्तीपुर में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में कोई भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,72,701 सैंपल की जांच की गई। वहीं 8 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बच्चों को है जन्म से हृदय रोग तो मुफ्त में इलाज कराएगी बिहार सरकार। बिहार के ऐसे बच्चे जिनके बचपन से ही हृदय रोग की समस्या है तो अब उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ऐसे लोगों का मुफ्त में इलाज करवाने जा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना का लाभ देने के लिए बुधवार से 3 दिवसीय स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में किया जा रहा है। पहले दिन जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 200 बच्चों की जांच की जाएगी। इनमें से जिन बच्चों को सर्जरी की जरूरत होगी चिन्हित किया जाएगा। ये जानकारी आईजीआईसी के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने मंगलवार को दी है, जिसके तहत अब जिन बच्चों को सर्जरी की जरूरत होगी उन्हें बिहार सरकार फ्लाइट से अभिभावकों के साथ अहमदाबाद भेजेगी। उनके रहने और खाने का प्रबंध भी निशुल्क होगा। बिहार पंचायत चुनाव के मतगणना का आखिरी दिन, बिहार पंचायत चुनाव के मतगणना का आज आखिरी दिन है और आज के बाद बिहार के सभी गांव की सरकार बन जाएगी। 14 और 15 दिसंबर को आखिरी चरण यानी कि 11वें चरण के 14 तारीख को मतगणना हो चुकी थी। वहीं आज भी सुबह से ही मतगणना जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आखिरी चरण में 20 जिलों में 38 प्रखंड के 568 पंचायतों के 8,067 मतदान केंद्र पर मतदान करवाया गया था। इस बार राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद के नेतृत्व में पंचायत चुनाव में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर चुनाव कराया गया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से 4 पदों के लिए चुनाव हुआ तो वहीं मतदाताओं के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग हुआ। मतगणना में ओसीआर सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया गया। बिहार के सभी जिलों में खुद जाकर सीएम नीतीश करेंगे शराबबंदी की मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में शराबबंदी को लेकर बेहद ही सीरियस नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सीएम नीतीश लगातार तो दिशा निर्देश जारी कर ही रहे हैं, साथ ही प्रदेश के हर जिले में जाकर खुद शराबबंदी की स्थिति की समीक्षा करने की बात कही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को इसकी तैयारी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम के इस फैसले से मद्य निषेध विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी जिलों में शराबबंदी अभी भी नहीं लागू हुई और
अभी भी शराब बरामद हो रहे हैं। हालांकि इसकी तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि आगामी 21 दिसंबर को राज्य मंत्री परिषद की बैठक के बाद इसकी शुरुआत होगी। बिहार के मगध रेंज के 13 दरोगा समेत 1473 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। बीते दिन मगध रेंज के गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया, जिसके तहत 13 दरोगा, 3 जमादार, 2 हवलदार सहित 1455 सिपाहियों की एक जिले से दूसरे जिले में भेजने का काम किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मगध IG अमित लोढ़ा को यह स्थानांतरण किया गया। जिला अवधि पूर्ण कर चुके पुलिस अफसर और जवानों को इधर से उधर किया गया है, जिसके तहत ही गया जिले में पदस्थापित SI मीरा कुमारी को अरवल, विजय कुमार रविन्द्रनाथ पाल और शिव मंदिर सिंह को नवादा भेजा गया है। औरंगाबाद में पदस्थापित SI अश्विनी कुमार और रामराज सिंह को भी नवादा भेजा गया है। नवादा जिले में पदस्थापित SI नवरत्न प्रसाद, राजकुमार, संतोष कुमार, ऋषिकांत सिंह और कुमारी रानी बबीता समेत अन्य को स्थानांतरित किया गया है। ठंड के साथ बढ़ने लगी कनकनी। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों में अब सड़कों पर नजर आने लगे हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने लग गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं अधिकतम औसत तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि मंगलवार से प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और उपग्रहीय तस्वीर से ज्ञात होता है कि पूरे प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक देखा जा रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बिहार के इन दो जिलों में मिलेगी बेहतर बिजली की सुविधा। नए साल में बिहार के दो जिलों में आने वाले समय में बिजली की बेहतर सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत नए साल में खगड़िया और बेगूसराय जिले की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी। इन दोनों जिलों को जनवरी महीने से सहरसा पावर ग्रिड से बिजली मिलने लगेगी। वहीं साल 2022 के सितंबर महीने से सहरसा और मधेपुरा जिले के सभी इलाकों में इसी पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति होने की संभावना है। दरअसल सहरसा पावर ग्रिड ने इन चारों जिले की बिजली आपूर्ति करने के लिए कनेक्टिविटी लाइन जोड़ने का काम बिहार सरकार का बिजली विभाग शुरू कर चुका है। 31 दिसंबर तक कनेक्टिविटी लाइन से जुड़ने के बाद सहरसा पावर ग्रिड से खगड़िया और बेगूसराय को बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अब ऑफिस में नहीं फील्ड में दिखेंगे ये ADG IG रैंक के अधिकारी। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने और इसमें किसी तरह की ढिलाई ना हो, इसके लिए एक दर्जन सीनियर IPS अफसरों ने फील्ड में उतरने का काम किया है, जिसके तहत ही अब बिहार में ADG और IG रैंक के इन अफसरों को मद्य निषेध को लेकर की जा रही कार्रवाई के अनुश्रवण के साथ ही जिलों के दौरे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। DGP SK सिंघल ने इस बात की जानकारी दी है और सभी को आदेश भी जारी कर दिया है। DGP SK सिंघल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ADG और IG रैंक के ये अफसर आवंटित रेंज के अधीन मध्य निषेध से संबंधित कार्यों का मॉनिटरिंग करेंगे। इन्हें रेंज के अधीन पड़ने वाले जिलों का दौरा भी करना होगा। इस दौरान ये भी देखेंगे कि मध्य निषेध को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, साथ ही अपनी रिपोर्ट हर महीने DGP को देनी होगी। बालूघाटों से सरकार को मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। बिहार के विभिन्न जिलों में एक बार फिर से बालू खनन की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत ही जल्द ही बिहार सरकार को खजाने में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के खजाने में चालू वित्तीय वर्ष के अनुसार बालू की नीलामी से 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसमें विकास योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों ने बालू से मिलने वाले राजस्व का एक अनुमान लगाया है। बालू से आने वाले सालों में और भी अधिक राजस्व जुटाने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसकी नीलामी को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। अब बिहार में लड़कियां संभालेंगी डायल 112 की जिम्मेदारी। अब बिहार सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम करती नजर आई है। यही कारण है कि क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिहार सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हिस्सेदार इसमें बनाया जाए। इसी कड़ी में बिहार में जल्द ही 112 इमरजेंसी डायल की शुरुआत होने वाली है। इससे किसी भी आपातकालीन समय में मदद के लिए आपको एक ही नंबर पर अब कॉल करना होगा, जिसके बाद आपके पास मदद भेजी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इसको संभालने की जिम्मेदारी बिहार में महिलाओं को मिलने वाली है। इसको लेकर महिला सिपाहियों का चयन कर लिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित 86 महिला सिपाही विभिन्न जिला बलों की है। इन्हें डायल 112 के कमांड सेंटर में कॉल रिस्पांस एसोसिएट की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये 3 दिनों का होगा और पहले 2 बैच में 30-30 महिला सिपाही शामिल होंगी।
डीएसपी अनूप कुमार लाल के यहां ईओडब्ल्यू ने की छापेमारी। पटना मुख्यालय के डीएसपी अनूप कुमार लाल के यहां पर आज सुबह सुबह अपराध इकाई ने छापेमारी की। उन पर बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ करके अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। ज्ञात हो इस डीएसपी का घर सिविल लाइन थाना के नूतन नगर में है। अधिकारियों ने छापेमारी को लेकर किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। खबर लिखे जाने तक डीएसपी के गया, रांची और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी जारी थी। घर में कई प्रकार के कागजात की जांच भी चल रही थी। इससे पहले अनूप कुमार औरंगाबाद में सदर एसडीपीओ के रूप में 3 साल तक कार्यरत थे। उनका बालू के अवैध खनन में नाम आया था। उन पर माफियाओं संग साठगांठ करके संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। राजश्री ने की तेजस्वी के साथ गौ माता की सेवा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रचेल उर्फ राजश्री पटना आते ही अपने परिवार के बीच पूरी तरह से घुलमिल गई हैं, जिसका प्रमाण हाल ही में देखने को मिला, जब राबड़ी देवी की छोटी बहू राबड़ी देवी के ही सरकारी आवास पर गौमाता की सेवा करते देखी। आगे बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र यादव ने इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। सुरेंद्र यादव ने तेजस्वी और राजश्री की तस्वीर शेयर करते हुए भाजपा पर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों को गौमाता की याद केवल चुनाव के वक्त आती है। चुनाव के वक्त गौमाता भाजपाइयों के सपने में आती है और कहती है, बेटा चुनाव आ रहा है, मेरी रक्षा करो। गौतम गंभीर ने इस भारतीय खिलाड़ी के चयन पर उठाए सवाल। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर, जो 2 बार के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, गौतम गंभीर अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाते हैं। वो काफी आक्रामक कप्तान भी थे। उनकी कप्तानी में केकेआर की टीम ने 2 बार आईपीएल का खिताब जीता था। गौतम ने गंभीर आरोप भी अब लगाते हुए साफ तौर पर इस दिग्गज खिलाड़ी का टीम में जगह बना पाना मुश्किल बताया है। गंभीर ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे पर निशाना साधा। गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ईमानदारी से कहो तो भारतीय टीम में अब अजिंक्य रहाणे की जगह नहीं बनती है। उन्हें कई मौके मिले हैं जिनका वो फायदा नहीं उठा पाए। कप्तान कोहली के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में जगह ना देना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर एक अच्छी दावेदारी पेश की है। साथ ही में हनुमा विहारी ने भी बल्ले से बेहतरीन खेल दिखाया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मनीष मोरा, अहमद रुश्दी, दीपक कुमार, डेविड कुमार, मिथिलेश कुमार, राजीव कुमार, प्रीति कुमारी, अल्तमाश जावेद, रवि कुमार, गोपाल कुमार, पंकज कुमार, प्रीति यदुवंशी, दीपक शाह और गोलू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम से क्या बिहार में शराबबंदी कानून सफल होगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।